दोस्तों आज से मेरे बेटे की शादी के दिन तक एवरीडे पार्टी है। यस बुलशिट, क्या है ये? सारी प्रॉपर्टी एंजॉय पार्टी के नाम पे खर्च किया जा रहा है। लगता है ये मुझे भिखमंगा बना के छोड़ेगा। मेरी बॉस की जायदाद तुम्हें कैसे मिलेगी? इसके मरने के बाद मेरी ही होगी ना। यस हे दोस्त, बहुत जल्दी रिकवर हो गए तुम। आई एम हैप्पी। बाबा का आशीर्वाद ले लो। बाबा आयुष्मान। क्या बदलाव, क्या भक्ति है। तुम्हारे ग्रह अनुकूल नहीं है, सावधान रहना होगा। दोस्त देखो, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी साथ में कितने खुश लग रहे हैं। हाय। अरे दामाद जी, ये कॉम्बिनेशन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। एक घंटा रुको ससुर जी, कॉम्बिनेशन के साथ कैरेक्टर भी बदल जाएगा। समझ गया, लंगी बाबा ना। यस, आप जाइए, तैयार हो जाइए। सर डिंपल जी, क्या हीरो लग रहे हो यार। दिन में तो ऐसे ही कहते हो, लेकिन रात होते ही वीणा स्टेप तबला स्टेप कहके बजा डालते हो। सॉरी सर, सब उन गधों की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो तुम यहाँ क्यों हो? भाई ने रुकने के लिए बोला है ना। तुम मेरे फैन हो कि भाई के फैन? भाई के पास आए हो, लेकिन फैन आपका हूँ सर। बड़े चालाक हो। भाई वहाँ टेंट में है, आपको अर्जेंट बुलाया है। ओहो, मतलब डायरेक्ट मिलने लगे। चालू चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब पिड़ा जी। हाँ क्या है सर? भाई उस टेंट के पास कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, वहाँ किसी को जाने से मना किया है। सीक्रेट? डिंपल, वो अटलांटिक होटल के 1065 में लुंगी बाबा नाम के एक बाबा जी हैं। उन्हें ये कैश देकर तुरंत यहाँ से वापस जाने को बोल दो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो मेरी पुरानी पहचान वाले हैं। अंजलि की शादी के लिए जब उन्हें कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली में दोष है। अब ना, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन भानु को अगर पता चल गया तो वो शादी रोक देगा। सर मेरे मन में डाउट है, अगर कुंडली में दोष है तो ये बात भोले बाबा ने क्यों नहीं बताई? अरे उसे कुछ नहीं पता। देखो भानु ने वाइफ की डिलीवरी इसके कहे डेट पे रखी थी ना। हाँ? क्या हुआ? रोहित के पैदा होते ही बीबी मर गई। अरे वो एक फेक बाबा है, बस वो सर्वाइव के लिए यहाँ पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हो पेड़ा? सर सर, उनके सीक्रेट को मैंने सीक्रेटली सुन लिया है। उनके भरोसे अगर आपने रोहित की शादी करवा दी तो जितना भी खर्चा हो जाकर उस लुंगी बाबा को तुरंत लेकर आओ। ओके सर। कौन है ये बाबा? अभी पता चल जाएगा। प्रणाम लुंगी बाबा, प्रणाम। लुंगी आशीर्वाद, लुंगी आशीर्वाद। बाबा मेरा बेटा रोहित। नमस्ते बाबा जी। इसके चेहरे पर ग्रह दशा खराब क्यों देख रही है? दशा? कौन सी दशा? ए, दशा भी नहीं मालूम, तुम काहे के बाबा हो? भानु क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो। 30 जगह बताई थी तुमने, लेकिन तेल सिर्फ 3 जगह निकला, बाकी जगह क्यों नहीं? हाँ तेल बचा ही नहीं इसीलिए। अच्छा, मेरी बीवी की डिलीवरी डेट तुमने फिक्स की थी, लेकिन वो तो मर गई, बताओ क्यों? उनका टाइम हो गया था, चली गई। अब तेरा टाइम हो गया है, चल निकल यहाँ से। भानु तुम मेरा अपमान कर रहे हो। काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। यस। आप कहिए बाबा, 4 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी? कन्या कौन है? अंकल। बाबा अंजलि। असल में मैच नहीं हो रहा है, कन्यादान कौन करेगा? दोस्त। अब जाइए ससुर जी, जाइए। डिंपल भद्रा, तुम क्यों ग्रहों से खिलवाड़ कर रहे हो? इस शादी के लिए मैंने मना किया था ना। वो न, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है, मुझे है। बाबा इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। हाँ है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कष्ट भरा और मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, अब बताइए। इस बिटिया की उसी मुहूर्त में एक नकली शादी करवानी होगी, उसके 24 घंटे के बाद दोस्त भी मिट जाएगा और दूल्हा भी मर जाएगा। उसके बाद आप जिसे चाहो उसकी शादी करवा सकते हो। तो ठीक है ना, किसी को भी लाकर चुपचाप शादी करवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम सीक्रेटली इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ग्रहों को नहीं, वो सब ऊपर से देखते हैं। सही कहा ना बाबा? करेक्ट। सारे सांस्कृतिक विधि विधान पूर्ण करने होंगे और सबके सामने विवाह समारोह करना होगा, उसके बाद बिटिया के ऊपर के सारे दोष बिल्कुल मिट जाएंगे। दोस्त ये संभव नहीं है, अपने देश से इतनी दूर हमारे जैसा कौन मिलेगा? एक है। है? कौन है डिंपल? मेरा फैन सीनू। सीनू? इम्पॉसिबल, मैं उससे नहीं करूंगी। आई हेट सीनू। इसीलिए तो, उससे करोगी तो लेट हो जाएगा ना। ये शादी है ना बेटी, मान जाओ। ये मान भी जाएगी तो उसे कौन मनाएगा? जाने दीजिए ना सर, मैं मनाऊंगा ना उसे, वो थोड़ा पैसों का लालची है। जितना मांगे दे देंगे, मना लो। ज्यादा नहीं देना, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए में मना लूंगा, तुमसे तो 1 करोड़ दिरहम मांगेगा, चलेगा क्या? रहने दो, तुम ही जाओ।
ये आप क्या कह रहे हो सर? सच कह रहा हूँ, 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ के लालच में आकर भाई की बेटी से शादी कर लूं, और वो भी नकली शादी? मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है। क्या है कि अंतरात्मा, खाने पीने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन नखरे देखो। अंतरात्मा अपने तक रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? वैसे ये नकली शादी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कहीं मर जाऊंगा क्या? हाँ, पैर की एक उंगली कट जाएगी बस। ऐसा है तो वो खुद भी कर सकता है। बेकार की बातें मत करो, करोड़पति हाथ पैर पे रिस्क नहीं लेते। तुम ये शादी करोगे, मैंने कमिट किया है। देखो मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, बोलो करोगे या नहीं? ठीक है सर, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को भी मार देता हूँ। 1 करोड़ में हिस्सा तो नहीं मांगेंगे ना? छी छी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सब रख लो। तेरे बात तो सब मेरा ही है। क्या सर? अरे कुछ नहीं, तुम तैयार हो ना? ओके सर। थैंक्स यार, मैं अभी जाकर उन्हें ये बात बताता हूँ। मुझे मारेगा ना, देखना शादी के बाद तेरे ग्रह तेरे साथ क्या करते हैं। क्या बात है, राजी हो गए? डिंपल ने तुम्हें क्या कहा पता नहीं, पर ये शादी करोगे तो 24 घंटे के अंदर मर जाओगे। नो प्रॉब्लम, 24 घंटे तो तुम्हारा पति बनकर रह लूंगा, वो काफी है। एक और बात बताऊं मैं, प्यार एक बीमारी है, उसकी दवा बस प्यार करना ही है। जैसे मरना है मरो। बात ही मत करो, बहुत बड़ा चीटर है। अच्छा, वैसे तुम मेरी शादी में आओगी सोचा नहीं था, तुम्हें लेकर आकर बहुत बड़ी चीट की है उसने। मेरी डिलीवरी पर तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना उसने। तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो? तुम्हारे ही फ्रेंड्स हैं। छोड़ो, ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। ए, दुल्हन बनने के बाद बाहर नहीं जा सकते, समझी? हाँ, ये नकली शादी है, तुम दोनों भी इसे सीरियसली मत लो। ओके, कम लेट्स हैव फन। ओके, वेलकम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हियर। अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। शट अप। ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना। ओके, अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। अंजलि संभल कर प्लीज, अंजलि संभल के। इट्स ओके। होल्ड डाउन, रोप इज नॉट टाइट। अंजलि, thank god। Mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? Thank you, सीनू। लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ, तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। I love you, सीनू।
अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से? इन सब बातों को तुम भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा अगर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया? बस इतना ही ना, या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है, अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना। I love you, I love you। सीन सर, तुम अच्छे लड़के हो, एक बार मेरे दोस्त को बचाया, अब इस नकली शादी के लिए राजी होकर मेरे बेटे को बचाने वाले हो। मतलब शादी के बाद पैर की उंगली कट सकती है, बस इतना ही ना? हाँ वही बात है। सीनू, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वानू साहब, जावेद साहब ने भेजा, ये रहा आपका फाइल। ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ है मुश्किल, ये फाइल किसकी है भानु? इमिग्रेशन ऑफिस से मंगवाया मैंने। नरसिम्हा और उसके लोग यहाँ आए ये शक दूर करने के लिए। हैदराबाद से शारजा आने वाले हर पैसेंजर की डिटेल फोटो के साथ मंगवाई है मैंने। दोस्त वादा करता हूँ उनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उस नरसिम्हा के लोगों को तुम पहचान सकते हो क्या? अरे उसके सब लोगों को मैं पहचानता हूँ, लाओ इधर दिखाओ। गुड, देखो बाकी और कौन लोग हैं बताओ, उनको तो हमारे लड़के देख लेंगे। देखा है मैंने, ये देखो आया है ना, आया है, और वो दूसरा उसके साथ रहता है। ये नहीं है उसके साथ रहने वाला, किधर गया? ये देखो ये है, इसे पकड़ लोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हाँ दोस्त यही है। बेड़ा सर, ये फोटो सभी लड़कों को भेज दो। यस सर। ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। ठीक है सर। ससुर जी इधर आइए। हाँ ससुर जी, आपने किसी बेचारे को फंसा दिया, अरे अगर वो इनके हाथ लग गया तो? अरे वो इन्हें नहीं मिलेगा, इस समय वो अमेरिका में शो कर रहा होगा। शो? हाँ वो बहुत बड़ा सिंगर है, हमारी फ्लाइट में ही आया था, अपनी टीम के साथ अमेरिका में शो करने वाला है, ये बताया था मुझे। हो सकता है वो अमेरिका छोड़कर कहीं और चला गया। अरे बाप रे, बचा लिया। ससुर जी हमें अपना काम जल्दी फिनिश करना होगा। हाँ बस दो दिन और। रेम्बो, अपने साथ हुए अपमान को मैं भूल नहीं सकता, वहां कुछ और ही चल रहा है। वो हैदराबाद से आए लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये नकली शादी ये सब कुछ एक बकवास है। भानु को सबक सिखाना है, उसके हाथों ही उन लोगों को मरवाना होगा। जाओ भेष बदल कर पैलेस में घुस जाओ, उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठे करो। जाओ। अबे तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल कैश कहाँ है, बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ, लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? आओ डिंपल जी ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो, मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा, तू पत्ते बाट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। टिंपल जी दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई, तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ वो भी तो नकली है। टिंपल जी ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना तभी हो गया था। ओहो भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है, बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चुपके रहो, भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड, नकली शादी? नहीं रे ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ डीलो के ना। सर 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 बात कर रहे हैं ना। सर पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर, आइए सर। अरे रुको रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे नंबर उम्र गया तेल लेने। सर 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 मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर। अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर।
यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर, वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी, कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं झूठ है कि सच है। मैं तो गया काम से। सर एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर, मैं तो बेवकूफ हूँ इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर, आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दिए तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अरे सीनू कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार, यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर उन्हें डाउट हो जाएगा, सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे, तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना, कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो इस्तेमाल करो। रेम्बो क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा। Thank you.